आरएसएस के आतंकी पोल खोल। अगर आप सोचते हैं कि 2014 के बाद देश में बम धमाके इसलिए बंद हो गए कि केंद्र में भाजपा की सरकार आ गई, तो आप मूर्खी नहीं वहां मूर्ख हो। आरएसएस सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। आरएसएस और बीएचपी मिलकर देश में बम विस्फोट इसलिए करते थे कि देश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ माहौल बना सके, जिसका फायदा भाजपा उठा सके। आरएसएस सत्ता के लिए देश के जवानों और नागरिकों की बलि लेने से नहीं चूकता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात खुद आरएसएस के पूर्व स्वयंसेवक यशवंत सिंधे कोर्ट में हलफनामा देकर स्वीकार कर रहे हैं। मुंबई के रहने वाले आरएसएस के पूर्व कट्टर कार्यकर्ता यशवंत सहदेव शिंदे ने नांदेड़ में सत्र न्यायालय में एक आवेदन दायर कर मांग किया कि उसे 2006 के नांदेड़ विस्फोट मामले में गवाह बनाया जाए। उसका दावा है कि आरएसएस और बीएचपी ने 2003 में देश भर में बम विस्फोट करने की साजिश रची थी। यशवंत सिंधे उसका चश्मदीद गवाह है। नांदेड़ में 2006 में हुआ बम धमाका उसी साजिश का हिस्सा है। पुणे के निकट सिंहगढ़ में आरोपियों के लिए बम बनाने का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था। यशवंत सिंधे भी उसी साजिश का हिस्सा है, मगर उसे बम विस्फोट करना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने आरएसएस और बीएचपी से दूरी बना ली।